हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आज हम सैदपुर में हैं, सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सैदपुर में हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पे बहुत पुराना मंदिर है, और यह मंदिर कितना वर्ष पुराना है हमें भी नहीं पता है। यहां के लोगों से हम पूछेंगे, पता करेंगे, जानकारी लेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि कितना वर्ष पुराना यह मंदिर है। फिलहाल मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इधर पीछे की बाउंड्री देख लीजिए, इधर दीवार देखिए कितना पुरानी दीवार। वहाँ दूर तक आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन उस ज़माने का ईंटा है कि बहुत पतला पतला ईंट है। आज के डेट में अगर 100 ईंट की दीवार बना रहे हैं तो 100 ईंट की दीवार में जितनी ऊंची दीवार होगी, उतनी ऊंची दीवार में अगर ये ईंट लगाएंगे तो कम से कम 500 या 1000 ईंट भी लग सकती है। उस समय की ये दीवार है। अब ये देख रहे, पुराना मकान बना हुआ है, ये भी जर्जर हो चुका है, लेकिन जर्जर नहीं है, बहुत मजबूती है इसके अंदर। यह बहुत मजबूत मकान है, पहले ऐसे ही। और यह जो है बालू सीमेंट से नहीं बनाया गया है, यह शायद चूना से और जो राबिस होती है उससे बनाया गया है। तो हम यहाँ पता करेंगे, बात करेंगे। इधर देख रहे हैं पुराना पेड़ है, जबकि बहुत छायादार है, अच्छा लग रहा है, ठंडा है। बाउंड्री देख रहे हैं कितना दूर तक प्रांगण है। मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ का कहानी क्या है वो हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। हाँ, ऊँचा तक मंदिर है, बहुत पुराना है, देखने में कितना सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस समय यह मंदिर बनाने में कितना खर्च आया होगा, कितना मेहनत लगी होगी, वो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर हमें लग रहा है कि गाजीपुर ज़िले में कहीं नहीं होगा, यह सैदपुर में ही मंदिर दिख रहा है। सैदपुर में आप आते होंगे तो हो सकता है आपको पता होगा, देखे भी होंगे, या फिर आप सैदपुर आते जाते डेली होंगे, लेकिन यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए यह मंदिर कितना पुराना है, कितनी इस पर कारीगरी की गई है। तो दोस्तों देखिए, विजेंद्र भैया हैं, हमारे मित्र हैं, जो कि मिल गए, यहीं पास ही इनका घर है। ये बताए कि नहीं, यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है, तो हम इनसे जानते हैं पूरे राज। बताइए विजेंद्र भैया, क्या यहाँ का राज है, कितना पुराना मंदिर है? यह मंदिर जो है 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है? जी हाँ। और ये जो है, इस मंदिर के अंदर जो है, जो मूर्ति आपको कहीं मंदिरों में नहीं मिलेगी, वो मंदिर इस मंदिर में वो मूर्तियाँ हैं। इसमें बड़ा रूप की मूर्ति है, शंकर पार्वती की मूर्ति है, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, शंकर भगवान की मूर्ति है, शेषनाग की मूर्ति है। मतलब इसमें जो है, आप दुनिया के जितने देवता उजाने सबकी मूर्ति, यहाँ पे दुर्गा जी की भी मूर्ति है, आप इसका जो है चित्रण कर सकते हैं, देख सकते हैं जा कर के। तो ये मंदिर कैसे बना, कौन बनाया इसको? इस मंदिर के निर्माणकर्ता दीपचंद शाह जी हैं, जो अत्यंत जो बहुत जो है गरीब थे बेचारे, अपना जीवन यापन इसी पक्का घाट पे जो है, मतलब रेवड़ी बेचने का काम करते थे। और एक दिन संत किनाराम जी रामगढ़ से अपना आए इस पार, और आए तो वहाँ पे कई खोमचा वाले जो है रेवड़ियाँ बेच रहे थे। एक खोमचे वाले के पास गए और कहे, मुझे एक रेवड़ी खिला दीजिए। तो उस खोमचे वाले ने उनको जो है, मतलब कहा कि अभी बोहनी नहीं हो, आप आगे बढ़ो। तो वो जा कर के फिर दीपचंद शाह के खोमचे पर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मुझे रेवड़ी खिलाइए। तो दीपचंद शाह ने बोला कि बाबा, मैं आपको दे नहीं सकता, आप अपनी इच्छा से खा लो। तो अपनी इच्छा से एक दो मुट्ठी उठाकर खाए। इसके बाद भी उसी के बदले जो उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि दीपचनवा, लोग दीपचनवा कहते हैं। तो कहे, जा आज से तू दीपचंद शाह हो जाएगा। और तभी से जो है वो धीरे धीरे दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगे और एक जो है बहुत बड़े आदमी बन गए। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, सर्वप्रथम पहला मंदिर उनका यही है। और इस मंदिर को जो है बनवाने में कई साल, मतलब लगभग जो है लोग बताते हैं, पूर्वज लोगों का जो है, हमने सुना है कि इस मंदिर को लगभग 20 सालों में उन्होंने तैयार कराया था। 20 साल में तैयार हुआ? हाँ, लगभग ऐसे ही, मतलब क्योंकि बना फिर गिरवाए फिर बनवाए, मतलब ऐसे जो है इसकी कहानी। क्यों क्यों गिराए बनाए? इसलिए कि वो जो है उनके दिल में गरीबों के प्रति जो है एक अलग रुझान था, कि जब इनके मिस्त्री काम कर रहे थे, लगभग मंदिर पूरा हो गया था, तो उन्होंने मतलब आपस में बात कर रहे थे, जो राजगीर थे बात कर रहे थे कि अब तो मंदिर बन गया है और अब हम लोगों की जो कमाई थी अब ख़त्म होने वाली है। तो उन्होंने, वो दीपचंद शाह जी कहीं इस बात को सुन लिए, तो उनके दिल में यह आया कि आज जो ये मतलब बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर इस मंदिर को गलत कह करके गिरवा दिया और फिर इसका निर्माण कराया। तो इस तरह से उनका जो है जीवनचर्या जो है
बीतता रहा, गरीबों का भी जो है कल्याण बनता रहा, रोजगार बनता रहा। तो ये अभी देख रहे हैं बहुत गंदगी इधर, जो साफ सफाई नहीं है, ऐसा क्यों क्यों नहीं सफाई की जाती है इसकी? देखिए ऐसा है कि ये मंदिर जो है मतलब जब बन के तैयार हो गया तो कुछ दिन बीते, उसके बाद संत किनाराम जी के एक शिष्य जो है बिकाराम जी आए, तो वो जो है मतलब दीपचंद शाह से मिलने के लिए आए, तो उस समय दीपचंद शाह जी पूजा कर रहे थे और नौकर को भेज के कहा कि बाबा से बोल दो मैं पूजा कर रहा हूँ, उसके बाद आके मिलता हूँ। तो उस पर जो है उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि जाओ आज से तेरा विनाश हो जाए। तब से ये मंदिर श्रापित भी हो गया है और इसकी स्थिति तो एकदम बिगड़ गई थी बीच में जो है, लेकिन फिलहाल इस समय बहुत सही है। और ये फिर हलवाई संघ को दे, मतलब हलवाई लोगों को दे दिया, क्योंकि वो हलवाई परिवार से थे इसलिए हलवाई लोगों को दे दिया गया। हलवाई संघ मंदिर कहा जाता है और आज हलवाई लोग ही इसकी देखरेख करते हैं। तो ये श्रापित बोल रहे हैं कि श्रापित मंदिर हो गया जी। तो श्रापित के बाद जो है इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता? फिर होता है, होता है, सब कुछ होता है। जैसे मतलब जिस तरीके से लोग मतलब जैसे मंदिर का जो प्रतिष्ठा होता है, मतलब मूर्तियों में प्रतिष्ठा हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, तो जिस तरह से जैसे एक चलता मंदिर होता है, मतलब लोग जो है उस मंदिर में जाना अधिक पसंद करते हैं, तो जैसे यहाँ भी मतलब मूर्ति तो इतनी इसमें है, लेकिन लोग जैसे मतलब इच्छा हुई तो आए, नहीं इच्छा हुई तो नहीं आए, लेकिन कभी कभी जो है इसमें मतलब जो जन्माष्टमी का पर्व है या हनुमान जयंती का पर्व है, माने वो सारे लोगों के अगल बगल के लोगों के या मतलब जो इसके संरक्षक हैं भीम साहब जी, उनके द्वारा जो है मतलब मिल करके इसका जो है काम मतलब होता है, मिलाए पर्व मनाया जाता है। लेकिन जिस रुझान से मनाना चाहिए उस रुझान से हमें नहीं लगता है कि मनाया जाता है, फिलहाल एक कोटा पूर्ति तो होता ही है। अच्छा ये बताइए, ये हलवाई संघ को जो है सौंप दिया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना बड़ा मैदान है, देख लीजिए आप जी, इतना बड़ा प्रांगण है यहाँ पे, बहुत ही दूर तक है। अगर इसकी साफ़ सफाई हो जाती तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता शहर में, क्योंकि शहर में तो जगह नहीं होता है, कॉलोनी में हर दरवाजे पे जो है खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है गलियों में। तो ये अगर साफ़ सफाई होकर अच्छा से बना दिया जाए तो सबका यहाँ पे एक कार्य जो भी होता है, प्रोग्राम शादी विवाह या कुछ भी, ऐसा है कि होता है। मतलब इस समय तो बारिश का मौसम हो गया है, घास उस उगाई है, लेकिन लगन के समय जो है शादी विवाह का जो मतलब समय चलता है, तो उस समय जो है जिनके मतलब बारात की व्यवस्था यहाँ पे बनते हैं तो खुद अपना साफ करवाते हैं। अच्छा। और फिर उस ढंग से अपनी व्यवस्था डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी कहिए तो व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसे मान लीजिए पानी की व्यवस्था हो गई, या फिर मतलब जैसे टॉयलेट की हो गई, बाथरूम की हो गई, या रूम की हो गई, मतलब जैसे किसी की बारात टिक रहे तो उसकी व्यवस्था रखने के लिए जो रूम, ये सारी व्यवस्था थोड़ा अपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे व्यवस्था उस ढंग की डेवलप नहीं हो पा रही है। और मतलब अगल बगल के लोग अपना शादी विवाह है तो मेरे झाल में चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के लोग चाहते तो एकजुट होके चंदा लगा के अगर चाहें तो बहुत अच्छा से यहाँ का विकास। नहीं, लोग चाहते हैं, मतलब कौन नहीं चाहेगा, मतलब जैसे मंदिर है अगर इतना इसकी व्यवस्था बन जाए, लेकिन जो संरक्षक हैं इसके, अब वो चाहेंगे तब ना होगा, माने हम संरक्षक के विपरीत हम तो काम नहीं कर सकते जी। तो हम चाहेंगे कि वो भी जो है इसके ऊपर ध्यान दें और इससे जो है सबका भलाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लीजिए जैसे मैरिज हॉल का निर्माण अगर हो जाए इसमें, तो भाई मंदिर है, माने जो भी आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा, लेके तो जाएगा नहीं, उसे व्यवस्था इसकी जो अपूर्ण व्यवस्थाएँ पूरी होती रहेंगी। लेकिन अब पहले तो इसका मैनेजमेंट जो है, इसका जो है उद्घाटन तो करे, काम तो करे, तब तो फिर होगा। मान लीजिए वो जो है चंदे की जो आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक जो है मेन इसका जो है संरक्षक खड़ा हो जाए वो बनाने के लिए, तो चंदा को कौन नहीं देगा, मंदिर का काम है, सभी लोग देने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहेंगे एक बार कि मंदिर में थोड़ा सा मूर्ति दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आइए आइए, चलिए हम दिखाते हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए मंदिर ये बनाया गया हवन कुंड, यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ पे जो है होम जाप किया जाता है, और मंदिर का गेट है, घंटा लगा हुआ है, ये अंदर से देख रहे कितना डिजाइन किया गया है, ये काफ़ी मेहनत। अच्छा इसको बनाने में तो बहुत कठिन है, ये कौन बनाया होगा, यहाँ का मजदूर या फिर कहीं? नहीं देखिए अब तो ये हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि पुरानी बात है, लेकिन जिन कलाकारों ने बनाया है इसको जो है आज के कलाकार इतने जो है मतलब बढ़िया नहीं बना पाएंगे। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये कितना बारीकी से पत्थर है, नहीं पत्थर है, पत्थर की कटिंग की गई, मतलब ये पत्थर अलग से नहीं जोड़ा गया है, पत्थर में ही सारी कटिंग की गई है। पत्थर में इतना बारीकी से कटिंग किया गया है कि हर नस कोर जो है बहुत फ्रेश दिख रहा है। और इसके बाद इधर आइए हम दिखाते हैं, एक पत्थर में ये भी मूर्ति देख लीजिए जी, ये पत्थर में बनाया गया तागे के जैसा, और इसके अंदर देखिए मोर है और किसी भगवान जी का ये मूर्ति है, कितना डिजाइन किया गया है। ये हमें लग रहा है आज के डेट में अगर दिया जाएगा तो पता नहीं बना पाएंगे लोग कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन पहले के जो कलाकार थे ऐसे ऐसे बिना
व्यवस्था बिना, आज के डेट में तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं जिससे मूर्ति बनाना या कुछ भी बनाना बहुत आसान हो गया, लेकिन जो पहले की व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत काफ़ी इसमें मेहनत है। आइए हम दिखाते हैं अंदर बाबा जी का चरण स्पर्श करके। ये कदो तो दोस्तों देखिए काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए देखिए ब्रह्मा जी महाराज जी हैं, ये कौन प्रभु हैं? ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, इनकी मूर्ति आप कहीं देखे नहीं होंगे यहाँ पाए सैदपुर में? जी सैदपुर में तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, पहली बार सैदपुर में आप देखें यह है मूर्ति है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा, और ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। ये देखिए सूर्य देव की मूर्ति है, सात घोड़ों की मूर्तियां हैं, ये सात घोड़े हैं इसमें। सात घोड़े हमारे पास दिखाइए थोड़ा पास से, तो देखिए सात घोड़े हैं यहाँ पे। और इसे लोग बताते हैं कि जैसे कोणार्क में सूर्य भगवान की मूर्ति है जी, वैसे ही ये मूर्ति है। अच्छा, कोणार्क की जैसी मूर्ति है, सेम वैसी मूर्ति है, वैसी मूर्ति बनी हुई लोग बताते हैं। बताइए सैदपुर भी जो है इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इतनी दूर दूर तक की जो है परिछाइयाँ जो है यहाँ पे बैठा दी गई है, लेकिन कोई जानता नहीं है। इधर जो जब धरती को डुबा रहा था समुद्र में, तो उस समय जो है मतलब ये बराह रूप का रूप ले करके जो है अवतरित हुए और पृथ्वी को निकाल के बाहर लाए, पाताल से बाहर किए हैं। अच्छा जी, ये पृथ्वी है। अच्छा, ये जो है श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता माँ हैं, इनकी मूर्ति जो है संगमरमर की बनी हुई आप सामने देख ही रहे हैं। और ये जो है गोपाल और राधा हैं, कृष्ण और राधा जी। आप मूर्ति कलाकारी भी देख सकते हैं किस हिसाब से बनाई गई है जी। और ये जो है आप मूर्ति गणेश जी के साथ जो है रिद्धि और सिद्धि जो पत्नियां हैं, आप इनके साथ इनकी मूर्ति कहीं नहीं पाएंगे। अच्छा, गणेश जी की पत्नी है? हाँ, रिद्धि और सिद्धि। अच्छा, ऐसी मूर्ति हम भी नहीं देखे होंगे, वो भी गाजीपुर जिले में, तुम्हें लग रहा है कोई नहीं देखा? नहीं है, नहीं है। बहुत मैं ऐतिहासिक मंदिर है भाई, लेकिन इसका जो है थोड़ा सा वही गड़बड़। ये भी लगभग 400-500 साल पहले की मूर्ति, सब वहीं से उसी समय की है, उसी समय की एकदम स्थापना के समय ही मूर्तियां लगाई गई। और ये देखिए शंकर जी की मूर्ति है और माँ पार्वती, ये आप कहीं नहीं पाएंगे। और ये गंगा जी की मूर्ति, गंगा जी माने पार्वती माता के साथ शंकर जी का कहीं भी आप मूर्ति नहीं पाएंगे, यहाँ पे ये चीज है जी। गंगा जी भी है जटे। और तीज के समय औरतें जब पूजा करती हैं तो उनको जो है गौरा और शंकर जी की मूर्ति का पूजा करना होता है, तो मतलब हमें लगता है कि सैदपुर की सारी औरतें यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। अच्छा, एकदम आती हैं। और ये माँ जगदम्बा हैं, दुर्गा माता। ये माँ जगदम्बा जी जगत जननी जी। और यहाँ पे शंकर जी का भी है। ये हाँ, ये देखिए शिवलिंग भी है, शेषनाथ भी हैं, नंदी भी हैं। अच्छा, ये कौन से भगवान जी हैं? ये जो भी हो उनके भूतगढ़ जो भी मतलब उसमें हो, घंटा ऊपर जाल बनाया गया नहीं तो अभी पूरा ऊपर, अब आप बाहर से दिखाएंगे हम। अच्छा, पूरा ऊंचाई तक गया है काफी, और अंदर से जाल लगाया है ताकि इस पर कचरा उचरा न गिरे। ऊपर गुंबद लगा है ना, उससे जुड़ा है ये। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना मतलब सभी देवी देवता की मूर्ति यहाँ पे है, ऐसा ऐसा मूर्ति जो आप गाजीपुर जिले में क्या उत्तर प्रदेश में शायद नहीं कहीं देखे होंगे, जो कि काफ़ी दूर जो है अन्य प्रदेशों में जो है वो मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे भी वो मूर्ति लगाई गई है। आप सबसे चोटी पर जाइए जी, वो चक्र टाइप का दिख रहा होगा आपको। हाँ, ऊपर चक्र है, वह जो है बहुत कीमती धातु है, अष्ट धातु है। अच्छा, और उसके मतलब उसका वजन जो है लगभग हमें लगता है कि 5 किलो से ऊपर ही होगा। 5 किलो? हाँ, इससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि आप आकार से ही पता लगा सकते हैं। घंटा देखिए, वो घंटा उसी में बंधा हुआ है। अच्छा, उसी में घंटा बंधा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से वो उसका जो है लिंक नीचे घंटे तक है। अच्छा, ये पूरा पत्थर का ही बनाया गया? पूरा पत्थर का है। ईंट तो कहीं नहीं लगी? ईंट कहीं है ही नहीं, आप देख सकते हैं ईंट कहीं दिखाई दे रही है? नहीं है। दीवाले जो ये दीवाल पे ईटा लगाए बहुत पहले की पतला ईट है। हाँ, वो तो मतलब जो बाउंड्री है पहले पतला ईटा ही चलता था, उसमें वो पतले ईटे का ही बना हुआ है। तो और लोगों को क्या कहेंगे यहाँ पे यहाँ आने के लिए? यही लोगों से मतलब कहेंगे कि जिस हिसाब से मतलब इस मंदिर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, लोगों में एक जागरूकता मतलब जगे
लोग जो है इस मंदिर पर आएँ, पूजा पाठ करें, उनकी मन्नतें पूरा हो और लोगों के मतलब जो यहाँ के मतलब अपूर्ण कार्य हैं या जो भी मतलब सफाई है उसमें कुछ योगदान भी करेंगे तो मंदिर का जो है एक इसका जो है निर्माण करने में हम लोग को सहायता मिलेगी। और हम लोग चाहते हैं कि मंदिर जो है चमकता रहे, तो इससे जो है जन सहयोग की अपेक्षा भी मुझे है जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना सुंदर मंदिर है और यह मंदिर अभी देखने में ऐसे कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी डेंटिंग पेंटिंग अगर हो जाए तो कितना सुंदरता इसकी बढ़ जाएगी। अभी हमें लग रहा है कि जब से इसकी स्थापना की गई है तब से ऊपर का जो है पेंट नहीं किया गया होगा, यानी कि उतने दिनों के बाद जो है आज भी जो है यह मंदिर चमक रहा है। अगर इस पर डेंट पेंट कर दिया जाएगा तो काफ़ी सुंदर हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा। तो दोस्तों आज का था हमारा यह वीडियो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।